हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इंता जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। वैसे आजकल मैं ब्लॉग बना नहीं रही क्योंकि घर पे ही है तो क्या बनाएं, रोज़ वही खाना पीना वही सब कुछ होता है। तो आज मैंने सब बहुत टाइम बाद कुछ बना लेते हैं ब्लॉग करके, तो बना रही हूँ। और छुट्टियाँ तो पड़ी हैं बच्चों की, लेकिन अब कहीं जाना होता है नहीं मेरा। लोग तो मायके जाते हैं, मेरा मायके जाना भी नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे की स्कूल बड़े हो गई हैं क्लासें, तो इसलिए मायके भी नहीं जा पाती। मैं एक दिन के लिए अगर चले गए, एक दो दिन के लिए, तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और बाकी अभी इस साल अभी घर भी नहीं गए हैं, अभी देखो कब तक होता है घर जाने का, भी देखते हैं। तो क्या पता आज ही चले जाएं, कभी भी जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि बच्चों का वही है, निगरानी यही है। तो इस उससे अगर वो कहीं जाती तो फिर तो मैं चले ही जाती, तो यही है। तो इसलिए बच्चों की भी कोचिंग चल रही है, तो कहीं मैं जा नहीं पा रही हूँ। और अभी सुबह के टाइम से कर रही हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट। और आज मैं दिखाती हूँ अपने सुंदर से अपने पेड़। ये देखिए मेरा मनी प्लांट कितना बढ़िया हो गया है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन ये थोड़े दिनों में फिर गल जाता है, पता नहीं क्या हो रही है। आज तो पुदीना भी हो रखा है मेरा ये, और साथ में मिर्च के पेड़, तो वाओ इतने सुंदर। लेकिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका क्या करूँ, जो कि ये ज़्यादा बड़े हैं ना, क्योंकि फिर लटक जा रहे हैं ज़्यादा बड़े होके। ये देखिए साइड में लटक जा रहे हैं, तो ये देखिए ये हैं। और कुछ पेड़ अभी इधर भी हैं, दिखाती हूँ आप। ये देखिए ये मेरा एलोवेरा, और साथ में दो तीन मिर्च के पेड़, यहाँ पर भी मनी प्लांट है एक, इसमें भी दो तीन पेड़ मनी प्लांट, इसमें भी मनी प्लांट हो रहा है। और ये है सामने मेरा बेल का पेड़, सोमवार के दिन व्रत हो तो यहीं से चढ़ा देती हूँ मैं तोड़ के, ये सबसे अच्छा है घर के पास में ही। ये देखिए इतना बड़ा बेल का पेड़, और आजकल पत्तियाँ देखिए सब इतनी प्यारी, एक भी वो नहीं है छेद वाले, सारे देखिए कितनी प्यारी पत्तियाँ हैं अभी। अब चलते हैं अंदर, बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि ये लोग तो कोई घर में नहीं है, कोई दौड़ने गया है, कोई स्टेडियम गया है, कोई मंडी गया है। तो चलते हैं अंदर को और दिखाती हूँ अंदर की गतिविधियाँ आपको, क्या मैं नाश्ते में बनाती हूँ आज, देखते हैं। चलो फाइनली मैंने टिफिन भी लगा दिया है, रोटियाँ, रोटी कहते हैं कि ऐसे ही रख, टिफिन ज़्यादा भारी हो जाता है। तो एक में सब्जी और एक पानी, और अभी ये गए हैं मंडी, पहुँच गए हैं। अब दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये लाए हैं लौकियाँ, नींबू, कद्दू, इतने बड़े बड़े दाने लेके आए हैं, टमाटर, ये है। अब इन सब्जियों को मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि बाहर तो ख़राब हो जाती हैं, और टमाटर को धो के रख देती हूँ। फटाफट से ये काम करती हूँ पहले, फिर और काम होंगे, संभालना लाने से ज़्यादा संभालना ज़रूरी है इनको, फिर नहीं तो खाएंगे डांट। अपनी ताई के वहाँ बुक्स लेने गया था, साथ में दूध भी ले आया, और ये बुक्स लेके आया है, ये रख दूँ पीछे, दूध ली को लाए थे ये, यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। बेटा भी लेके आया, और साथ में मेरी बन रही है भिंडी की सब्जी, और अभी आलू के गुटके भी बनाने हैं। तो गाइस ये है आज का हमारा नाश्ता, भिंडी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, और साथ में देखिए मट्ठा, ये डालेंगे अभी गिलास में बढ़िया से। और ये हो गया नाश्ता रेडी, तो जिसको खाना है आ जाइए। और अभी अब मैं बैठी हूँ, और मेरा छोटा बेटा आ गया स्टेडियम, सब दिखाती हूँ। ये देखो आ गए बाबू, मज़ा आया। ये सुबह 6 बजे चले जाता है, और इतनी देर में आता है, पूरे 2-3 घंटे बाद आता है। और एक ये बड़ा वाला यहाँ पर ऐसे लेट है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, अब ये सोच रहा है मेरे को दोबारा सोने को मिल जाता, तो ये सोने की तैयारी में है। ये देख सकते हैं किताबें सिराने के नीचे डाल के। तो दोस्तों नाश्ता करके, पूरे चुल्ही भानी करके, सब काम से निपट के, आज मेरा एक बहुत ज़रूरी काम होना है किचन में, तो मैं उसके लिए आ चुकी हूँ। तो मैंने आज बनानी है मलाई, मलाई यानी कि घी बनाना है, तो मैंने उसका मक्खन है, ये देख सकते हैं मक्खन निकल चुका है। अब इसको धोती हूँ फटाफट से, ये भी बहुत ही बड़ा काम हुए रहता है मेरे लिए, क्यों मुझे क्योंकि कभी गल जाती है मलाई, तो इसलिए वो रहती है टेंशन। तो इसलिए ये मेरा आज हो गया मलाई, अब इसको मैं धोती हूँ फटाफट, फिर घी बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर अपना बैठ जाती हूँ पंखे के नीचे। गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ी देर में ही किचन में
आना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो फटाफट से इसको रखते हैं फिर चलते हैं कमरे की ओर, फिर मैंने भी हॉस्पिटल भी जाना है तो फटाफट से करती हूँ फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल से आकर फिर मैंने फटाफट से बनाया खाना। खाने में मेरा आज था लौकी और ये चने की तरी वाली सब्जी, ये ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बनाई थी मैंने, थोड़ी चने बचे थे तो, और झोली। तो फटाफट से खाते हैं खाना फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी लग रही है मेहंदी क्योंकि कल को है वट सावित्री। तो मैं तो 21 जून को समझ रही थी, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठी थी, अभी एकदम से आया दीदी का फोन, उसने बताया कल वट सावित्री है, तब जाके अचानक से फिर ध्यान आया, फिर मैंने कहा मेहंदी लगा लेती हूँ, एक हाथ में लगा लेती हूँ, जितना लगती है मतलब ये उतना लगाते हैं, फिर बाकी जो बचेगा वो रात को लगाएंगे। ये भी मेरे बेटे ने फैला दी है, ये पूरी मेहंदी की कोन इसने पहले तोड़ दी थी, तो ये कोन मेरे पास घर पे ही पड़ी थी तो मैं ये लगा ले रही हूँ, जितना होता है लगाते हैं फटाफट से। ये बेटा पढ़ाई के साथ साथ गाने भी सुन रहा है, पढ़ाई तो कम हो रही, इसके गाने ही ज़्यादा चल रहे हैं इसके, ये देख सकते हैं। बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको मौसम, ये देखिए वाह क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरे आसमान में बादल ही बादल, बारिश के हल्के हल्के छींटे भी आ रहे हैं, देखो ज़्यादा बरस भी सकता है ये। देखिए वाह क्या ठंडी हवा चल रही, मज़ा आ गया। मेरी मेहंदी ये देखिए, बाहर तो मेरी मेहंदी भी अच्छी लग रही है, उसे अच्छा डिजाइन लगा के मैंने ये, वाह किसी एक को लगवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं, इतना अच्छा डिजाइन में बनाती हैं। देखिए मैं जिस कढ़ाई में मैंने घी बनाया था उसी में मैंने अभी बना दिया हलवा, बना लिया मैं ये, थोड़ी सी जो मैन था वो मैंने थोड़ी फेंका, बाकी थोड़ी सी में मिला लिया, काफ़ी टेस्टी होता है तो ये बना रही हूँ, खाने के बाद स्वीट डिश में हमारा काम आ जाएगा और होता भी टेस्टी है। ज़्यादा हो तो आप बना के फ्रिज में रख भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होगा तो ये भी खा लेंगे हम इसको। तो ये बना रही हूँ मैं अभी, कढ़ाई मैंने धोई नहीं थी, रख दी थी ऐसी, तो अब हलवा बनाते हैं फिर खाते हैं बढ़िया से। दौन ए छोटू दौन, छोटू दौन तुम आ गए, ओए ए छोटू दौन, छोटू दौन। तो दोस्तों पूरे दिन के काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म और खाना ना खा के मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और एक हाथ की मेहंदी मेरी ये देख सकते हैं, मैंने नींबू उसमें मिटा दी थी क्योंकि खाना बनाना था, बर्तन सभी काम थे मतलब घर के तो वो कर दिया था, तो अब ये हाथ मेरा बचा है तो इसमें हम लगाएंगे, ये देख सकते हैं। तो इसमें लगाती हूँ मेहंदी फटाफट से, एक बेटा कर रहा है पढ़ाई, एक अभी नहा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है अब, तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं काम तो मैं भी फटाफट से लगा लेती हूँ मेहंदी। रात के बज गए हैं 10 और इस बार मेरा व्रत छूटते छूटे बचा, धन्यवाद दीदी को बहुत बहुत, अगर उसका फ़ोन नहीं आता तो शायद छूट भी जाता उसको, तो उसने बता दिया तब, नहीं तो हो गया था मेरा वट सावित्री। तो मिलते हैं कल वट सावित्री स्पेशल ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि।